बागवान भाइयों नमस्कार। मैं डिंपल पांचटा एक बार फिर से आप लोगों के मध्य एक अति महत्वपूर्ण लाइव लेके उपस्थित हुआ हूँ। आज हम बागवानी की बातों में कुछ महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। जिन बागवान भाइयों के ओला आ चुका है, लगभग 24 घंटे से ऊपर हो चुका है अब, तो अब ये उपयुक्त समय है कि आप अपने बगीचों में स्प्रे की ओर जाए। मैक्सिमम ओले से क्या हो चुका है कि जो हमारी लीव्स है, पत्तियां हैं, वो कट और फट गई है, जिससे भोजन कम बना पाएगा हमारा प्लांट, साथ ही साथ फ्रूट भी डैमेज हुआ है। तो इस समय आप क्या चीज कर सकते हैं, उसके बारे में मैं चर्चा करना चाहूंगा। सबसे पहले आप लोगों को एक फंगेसाइड, उसमें मैनकोजेब M45 या कार्बेंडाइजिम, जिसको आप बेविस्टिन के नाम से जानते हैं, इनमें से कोई एक फंगेसाइड लेके उसके साथ आप चेलेटेड जिंक 100 ग्राम, बोरोन 250 ग्राम और साथ ही साथ आप लगभग 1.5 से 2 किलो यूरिया ऐड कर सकते हैं। ये आपकी फर्स्ट स्प्रे होगी और उसके बाद आपकी जो सेकंड एप्लीकेशन होगी वो लगभग 1 हफ्ते के बाद होगी, जिसमें आप माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डालेंगे, जैसे एग्रोमीन, मल्टीप्लेक्स या ऐसा कोई भी आपको दूसरी कंपनीज का मिलता है जिसमें सारे पोषक तत्व होंगे, तो आप उसकी स्प्रेज करेंगे। बागवान भाई, जो भी ये स्प्रेज है, इससे आपके पूरी रिकवरी तो नहीं होगी, मगर काफ़ी हद तक रिकवरी की ओर जाएगा आपका फ्रूट। साथ ही साथ अब इस वर्ष का नुकसान हो चुका है, अब आने वाले जो आगामी सीजन है उसके लिए आपका बीमा कैसे डेवलप होगा कि अगले साल की क्रॉप ना मरे, और साथ ही साथ आप उसके 6-7 दिन के बाद एक बायोस्टिमुलेंट या ह्यूमिक एसिड या कोई भी आपको जो अमोनियो एसिड, फॉल्विक एसिड कुछ इस टाइप में अगर आपके पास मिलता है, आप उसकी भी एक स्प्रे कर सकते हैं। ये एक रिकवरी होगी जिस पे आप ध्यान देंगे